शांति। आज की तारीख है 8/4/16 और आज सभी बहुत ही उमंग उत्साह की नई सुनहरी सुबह लेकर के उठे हो, क्योंकि आज कुछ एक जाति और भाषा वालों का नया वर्ष है और नए वर्ष का सुनहरा प्रभात है। तो इसीलिए सर्वप्रथम नए वर्ष को मनाने वाले आप सर्व को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो और आपके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना हो। आपका वर्ष उन्नतिदायक हो, निर्विघ्न हो और बहुत ही खुशी उमंग और सुख शांति से भरा हुआ हो। तो आइए सुनते हैं आज की बाप दादा की मुरली का सार। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे मासूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे अलबेले होकर कहते हैं कि हम तो बाबा के हैं ही, तो फिर हमें याद करने की क्या जरूरत है? तो याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है उनका अलबेलापन। बाबा कहते, बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थाई खुशी भी रहेगी, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा, अर्थात व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है, हर कार्य करते हुए आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, देह अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी है। नंबर दो है, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपनी मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतिंद्रिय सुख के अधिकारी भव। बाप कहते हैं, संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतिंद्रिय सुख। ये अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति के द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतिंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो अतिंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। स्लोगन है आज का, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।